हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी लोकी के थर्ड एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जो कि आज डिज़्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ हुआ है। और इस एपिसोड का रन टाइम है अराउंड 35 to 39 मिनट्स। तो ये एपिसोड में आपको यही देखने को मिलेंगे जो कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखे थे, कि लोकी वो टाइम ट्रेवल करने के बाद वो लेडी लोकी, शी इज़ अ विच ऑफ एसगार्ड, तो उसके साथ लोकी कहाँ ट्रैवल करेगा, यही आपको इस एपिसोड में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक टाइम पीरियड आपको यहाँ पे दिखाएंगे 2077, एक दूसरे प्लैनेट में वो लोग ट्रैवल करेंगे, और ट्रैवल करने के बाद ही जो मतलब वो मशीन था, वो मशीन का बैटरी चार्ज अब खत्म हो जाएगा। लेकिन उस प्लैनेट में बहुत ही तहलका मचा हुआ था, क्योंकि वो प्लैनेट वाज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग डिस्ट्रॉयड। तो उसी प्लैनेट से वो दोनों कैसे बाहर निकल जाएंगे या फिर निकल पाएगा कि नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये एपिसोड देखना होगा। और साथ ही साथ इस एपिसोड में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोग जान पाओगे, जो जानने के बाद आपका जो थॉट्स था, आपका जो थ्योरी था, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को कुछ सीन्स यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेंगे जो देखने के बाद आपके मन में जो TVA के बारे में जो ख्याल था कि शायद वो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। क्योंकि वो एनचैंट्रेस यहाँ पे कहेगा लोकी को कि दे आर वेरियंट फ्रॉम द अर्थ, जो कि कुछ लोचा तो है, कुछ मतलब काम तो चल रहा है, क्योंकि मोबियस लोकी को जो कहा था वो कम्प्लीटली फेक था। क्योंकि यहाँ पे लोकी और वो विच दोनों एक साथ जब टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत कुछ बातें शेयर करेंगे, तभी लोकी को बहुत कुछ चीजें, बहुत कुछ फैक्ट वहां से पता चलेगा। शायद टीवीए कुछ छुपा रहे हैं, शायद टीवीए में कुछ जरूर चल रहा है। और यहाँ पे भी वो लेडी एक बात कहेगा कि कुछ अधूरा काम बाकी है जो कि वो टीवीए में जाके खत्म करेगा। अब क्या अधूरा काम है जो वो खत्म करना चाहते हैं, और मतलब वो खत्म करने के बाद उसका जो मेन मोटिव था, उसके बाद उसका क्या होगा, ये सब जानने के लिए हम लोगों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये दो अभी उस प्लैनेट से कैसे बाहर निकलते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये टीवीए क्या खेल खेल रहा है, टीवीए एक्चुअली लोकी को लेके क्या प्लानिंग कर रहा है, वो लोकी का मदद क्यों ले रहे हैं, और अगर टीवीए का काम भी हो जाएगा तो इसके बाद भी वो लोकी के साथ क्या करेंगे, ये भी अभी बहुत ही खुलासा होना बाकी है, जो कि शायद नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग को पता चलेगा। और मॉबियस का जो कैरेक्टर है वो भी बहुत ही सस्पिशियस और बहुत ही अभी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो क्यों लोकी को झूठ बोला था, शायद उसका भी एक रीज़न होगा, उसका भी एक थ्योरी होगा। तो अभी जैसे जैसे बहुत सारे और एपिसोड रिलीज़ होंगे, मुझे लगता है कि बहुत और कुछ खुलासा होना बाकी है, बहुत कुछ थियोरीज़ भी अभी आना बाकी है, और जो हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था वो भी टू सम एक्सटेंट रॉन्ग होगा। क्योंकि पिछले एपिसोड में हम लोगों को लगा था कि शायद ये जो लड़की है वो लेडी लोकी होंगे, लेकिन शी इज़ नॉट अ लेडी लोकी। तो ये कुछ फैक्ट्स हम लोगों ने जो सोचा था वो बहुत ही गलत निकला। तो अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज का एपिसोड स्क्रीन पे मुझे थोड़ा स्लो लगा, जो एपिसोड में डिमांड कर रहे थे, जैसे एपिसोड प्रोसीड कर रहे थे, कुछ कुछ फैक्ट्स आपको बहुत कुछ जानने को मिलेंगे। तो ओवरऑल आज का एपिसोड मुझे उतना भी बुरा नहीं लगा, लेकिन पिछले दो एपिसोड्स में जो एक्सपीरियंस, जो गूज़बम्प्स आपको मिलेंगे, वो थोड़ा आपको यहाँ पे कमियां देखने को मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल इट वाज नॉट बैड। जो आपको एक स्टोरी लाइन बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिलेगा, मुझे लगता है एपिसोड 4 में बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ सरप्राइजेस मिलना भी बाकी है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक लोकी एपिसोड 3 नहीं देखा तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार में जाके देख सकते हो, और अगर देख लिया है तो मुझे जरूर बताना आप लोगों को कैसा लगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑल कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।